बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हों। मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप सबके सामने, और जब अगर वीडियो बनाएंगी तभी तो मैं आपसे मिल पाऊँगी और आप लोग मुझे याद कर पाओ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, क्योंकि ये सब आइटम्स मैंने बहुत पहले ही परचेज़ कर लिया था और मैंने ऐसे ही रखा था कि तब तक यूज़ नहीं करूँगी जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आप सबके साथ शेयर करना था। अगर नए नए वीडियो बनाऊँगी तभी तो आप सबसे मिल पाऊँगी, और अगर आप सब सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही मुझसे मिल पाएंगे। तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आज फाइनली आज बना चुकी हूँ, और अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप सब वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा बहुत सारे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बिल्कुल फ्री है, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये सारे आइटम्स के मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, और कुछ के मेरे पास हैं और कुछ के अगर शायद होंगे, क्योंकि बहुत पहले लिया था तो अगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए अगर होंगे तो श्योर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप जाकर कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ पसंद आए तो। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो आइटम है वो है ये, इस तरह की जो आजकल आप सबको पता ही होगा जो इस तरह के डब्बे आते हैं, ये सब है दाल वगैरह रखने के लिए, कोई भी स्टोरेज रखने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो मैंने हाफ के जी का लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, और इसमें आप इजीली इसको इस तरह खोलकर, तो ये सारे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए, हालांकि मुझे बहुत दिन हो गए ये सब लेकर, लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि सबसे पहले आप सबसे शेयर कर लूँ मैं कि ये कैसा है क्या है, और अगर कोई लेना चाहे तो ईज़िली आप सब ले सकते हैं, क्योंकि अगर पहले से हमें आइटम्स के बारे में पता चल जाए, रिव्यूज़ पता चल जाए, तो हम आसानी से उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही कंफर्टेबल है, इस तरह का बॉक्स है ये, और इस तरह का ओपन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हाफ के जी आ सकता है मेरे ख्याल से, और इस तरह का ये इसका ढक्कन है, और इस तरह से लग जाता है, और ये ईज़िली आप इसमें खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं, इस तरह खोलकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ईजी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये। तो मैं भी हमेशा सोचती थी कि मैं लूँ कि नहीं, कैसा रहेगा क्वालिटी, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बिलीव मी आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा परचेज़ है ये। इस तरह के मैंने ये दो लिए हैं, और ये एक, और ये एक, इस तरह के मैंने ये दो लिए हैं। तो नया पहली बार है तो मैंने सोचा कि पहले ये ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा लगे तो सेम पीस और ले लेंगे, क्योंकि सब अगर एक जैसा हो तो अच्छा लगता है देखने में, किचन और बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह के दो लिए। सेकेंड आइटम है, बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। इन सब आइटम्स में मुझे सबसे अच्छा यही लगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आइटम लूँ जो घर की सुंदरता को बहुत बढ़ाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, और ये बहुत लकी भी माना जाता है। तो ये है कुछ इस तरह का विंड चेन, और ये जो है इस तरह का है ये, बहुत ही सुंदर इसमें साउंड आ रहा है, और बिल्कुल एकदम पोलाइटली साउंड है, बहुत ही स्वीट साउंड है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। तो इस तरह के ये विंड चेन है, और इन सब के प्राइजेस भी बहुत ही रीजनेबल है, ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, और नॉर्मल है, क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है ये। तो सबसे अच्छा मुझे यही लगा, आपको कैसा लगा ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आइटम आपको सबसे अच्छा लगा। तो तीसरा आइटम है वो है ये, ये है नाशपाती, जो हिंदी में कहते हैं इस फ्रूट को, इस फ्रूट के शेप का है ये बॉटल। तो इसमें ये स्टोरेज बॉटल है, ये बहुत ही अच्छा है देखने में, और बहुत क्यूट है, छोटा सा है। तो आज ही मैंने इसमें फ़िल किया है ये, ताकि आपको दिखा सकूं कि इसमें आराम से हम कुछ भी ड्राई फ्रूट्स हो कुछ भी रख सकते हैं, बहुत ही ईजिली इसमें स्टोर हो जाएगा, और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, क्यूट सा। तो नेक्स्ट जो आइटम है ये बहुत ही अच्छा है, और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा बाय श्योरली मैं बता सकती हूँ। तो ये है इस तरह का गणेशा, छोटा सा बाल गणेशा का स्टैचू, ये एक, ये दो, और इस तरह के चार हैं ये तीन, और ये जो है ये चौथा, चार हैं ये। तो ये बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है, एक डांस करते हुए है, एक
तबला बजाते हुए है, एक बैठे हुए और एक बांसुरी बजाते हुए, बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर है। आइटम है वो है इस तरह का प्लास्टिक बास्केट, ये 3-in-1 है। इसमें आप वेजिटेबल रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं और डाइनिंग टेबल के ऊपर इस तरह फ्रूट्स रखकर इसे ढक सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैंने इसे ऐसे दो लिए हैं इस तरह के, एक ब्लू और एक ग्रीन। तो आखिरी आइटम है वो भी बहुत ही अच्छा है, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं अपने आइटम्स की तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन सच में बहुत ही अच्छा है। बुद्धा जी का स्टैचू, ये बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं इस तरह का ये स्टैचू। और इसमें मैंने ऑलरेडी इसे निकाल कर सेट कर दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें जो है स्टैचू इस तरह का है ये स्टैचू, और इसकी जो यहाँ पे स्टोन्स आप देख सकते हैं, नीचे स्टोन्स जो है वो इस तरह का, जो यहाँ कैंडल दिया हुआ है, 3 कैंडल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है स्टोन्स दिए हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर है, डेकोरेटिव है, बहुत ही सुंदर लगेगा अपने घर में रखने से। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने ये परचेज़ किया है। और ये जो है ऑयल, ये मत कहना कि ऑयल भर के दिखा रही है, तो हमें पता ही होगा कि ऑयल कैसे भरना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आज ही मैंने इसमें भरा है और सोच रही थी कि नहीं करूँ नहीं भरूँ, लेकिन कैसे भी मुझे उस सिचुएशन में इसमें भरना पड़ा, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही दिखा देंगे, कोई बात नहीं। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है, आराम से इसमें इस तरह का पाइप दिया हुआ है छोटा सा, डालने के लिए भी बहुत ही ईजी है। तो इसमें डालो, इसमें बंद करो, इसमें पूरा एक पैकेट मीन्स 1 kg का ये बॉटल है, एक लीटर का ये बॉटल है, और देखने में भी बहुत ही सुंदर है, कलर भी बहुत ही प्यारा है। तो इसमें आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा है बहुत लोगों के पास और बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने तुरंत इसे ले लिया। ये छोटे से जार, इसमें हम जीरा सरसों कुछ भी रख सकते हैं, इस तरह के मैंने 6 लिए हैं। तो ये छोटा छोटा सा जो होता है ये बहुत ही प्यारा लगता है देखने में, और रेड कलर में लिया है तो अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो है ये नॉर्मल सा मैंने सॉल्ट के लिए लिया है, सॉल्ट बॉटल जो इस तरह डालते हैं वो वाला, तो ये एक लिया है मैंने छोटा सा प्यारा सा। और ये एक बास्केट लिया है मैंने इस तरह का, इसमें हम जिस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम कॉस्मेटिक रख सकते हैं, रिमोट कुछ रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं, बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग है ये, तो अच्छा लगा मुझे। ये एक मैंने एक लिया है कि इस तरह का बास्केट लिया है, तो हर घर में होगा, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, हर तरह से रैक्स में हम रख सकते हैं, प्याज आलू टमाटर जो भी रखना हो रख सकते हैं, तो ये तो सबको पता ही होगा इस बारे में। और इसके बाद मैंने लिया है ये डब्बे, मैंने कहा ना प्लास्टिक के भी आइटम्स मैंने लिए हैं, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये मुझे अच्छा कलर लगा, तो मैंने इस तरह का एक प्लास्टिक 2 सेट लिए हैं। और जो है ये है प्यारा सा टेडी, जो बहुत ही प्यारा है, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, रिमोट फ़ोन या पेन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, बहुत ही क्यूट है ये। तो इन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो ज़रूर अगर आपको चाहिए होगा तो ज़रूर आप वहां से चेक कर सकते हैं। आइटम जो मैंने यहां पे लिया है वो है फ्रिज मैट्स, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इस तरह के मैट्स। तो इसमें मुझे 1, 2, 3, 6 मिले हैं, 6 मैट्स है ये, और इस तरह के ये मैट्स हैं। इसमें फ्रिज के हम जो 3 मैट्स हम यूज़ कर सकते हैं एक बार में, और 3 जब ये ख़राब हो जाएंगे या गंदे हो जाएंगे, वॉश करने लायक हो जाएंगे, तो इसे निकाल कर हम दूसरे मैट्स लगा सकते हैं। तो इस तरह के ये मैट्स हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा अमेज़ॉन शॉपिंग हॉल, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और आप लोगों को कौन सा आइटम बहुत ही अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बेल आइकन बजाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, वीडियो बनाने से ज़्यादा उसे एडिट करने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई है, वो जो मेरी मेहनत है वो वेस्ट नहीं गई है, ऐसा लगता है। कोई भी एक लाइक करता है, एक अच्छा कमेंट करता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और ये सारे जितने आइटम्स हैं ये मैं आपको डेकोरेट करने के बाद ज़रूर मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो फिर से शेयर करूँगी। तो नए वीडियो के साथ फिर बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम फिर से बार बार मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।